वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा जीके टेस्ट लेके आए हो, टोटल 20 क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। 20 में से 15 या 17 क्वेश्चन की आंसर सही देते हो तो आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या कौन बनेगा करोड़पति की प्रिपरेशन कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हमारा ये वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आपको नंबर में देती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन होगा, बाद में उसके चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनःस्थापना किस स्थान पर की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है बद्रीनाथ। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनःस्थापना बद्रीनाथ में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे चार मुख्यमंत्री नाम दिए गए हैं, इसमें से सिक्किम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है लहेंदुप दोरजी। लहेंदुप दोरजी सिक्किम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम में सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहा है? सिक्किम राज्य में सबसे लंबे समय तक सीएम मुख्यमंत्री कौन रहा है और पूरे देश में भी सबसे लंबे समय तक राज्य मुख्यमंत्री कौन रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है पवन कुमार चामलिंग। पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग का है और सिक्किम में भी सबसे लंबा कार्यक्रम पवन कुमार चामलिंग का है मुख्यमंत्री के तौर पर, 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर कूटनीति से किसका वध किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी सम्राट धनानंद। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर कूटनीति से सम्राट धनानंद का वध किया था। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मैकियावेली, भारत का मैकियावेली भी जाना जाता है चाणक्य को। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, कमलेश्वर शिवालय कहाँ स्थित है जहाँ भगवान श्री विष्णु ने तपस्या करके सुदर्शन चक्र हासिल किया था? क्वेश्चन का उत्तर है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है कमलेश्वर शिवालय। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कृणाल किस रानी का पुत्र था? यहाँ पे चार रानी के नाम दिए गए, इसमें किस रानी का पुत्र था कृणाल? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावती का पुत्र था कृणाल, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ ठाकुर का काव्य संग्रह गीतांजलि जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जीता था जिसके लिए उन्होंने, तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था पहली बार? क्वेश्चन का सही उत्तर 1910 में प्रकाशित हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर का काव्य संग्रह गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 11, रविंद्रनाथ ठाकुर का द्वारा रचित काव्य संग्रह गीतांजलि का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए भगवान की भक्ति डिवोशन टू गॉड, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित काव्य संग्रह गीतांजलि का मुख्य विषय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सम्राट अशोक के शिलालेखों को प्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था?
क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप सम्राट अशोक के शिलालेखों को प्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 13, दो बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी संतोष यादव। दो बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला और विश्व की प्रथम महिला है संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन है? क्वेश्चन का उत्तर मलावट पूर्णा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? क्वेश्चन का सही उत्तर 2 ईयर्स 11 मंथ्स 11 मंथ्स और 18 डेज 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी से अपने कैरियर की शुरुआत की थी? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बिहार राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा प्रताप का कौन सा पुत्र नाराज होकर अकबर की शरण में गया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी जगमाल। तो जगमाल महाराणा प्रताप का पुत्र था जो नाराज होकर अकबर की शरण में गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्र बरदाई भट्ट जो कृष्ण पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और एक कवि थे, उनके हाथों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका के प्रसिद्ध डाक टिकट इन्वर्टेड जेनी में किसका चित्र अंकित है? तो अमेरिका का प्रसिद्ध डाक टिकट इन्वर्टेड जेनी है जिसकी जो मोस्ट एक्सपेंसिव ये डाक टिकट है अमेरिका का, तो इसकी 25 लाख डॉलर इसकी कीमत है। क्वेश्चन का कर्टिस JN-4 हवाई जहाज, तो कर्टिस JN-4 एरोप्लेन का चित्र अंकित है अमेरिका के प्रसिद्ध डाक टिकट इन्वर्टेड जेनी पर। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन के आंसर भी सही दिए हो तो आप जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर आपके 20 में से 20 क्वेश्चन के सही उत्तर हुए तो आप जीनियस हो। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।